तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम चल रहे हैं जीएल बजाज कॉलेज और वहां पे हम बात करेंगे एक फिजिकल रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है। बात क्या करेंगे, हम डायरेक्टली आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल फिजिकल रिपोर्टिंग किस तरीके से चल रही है वहां पे, ठीक है। ऑल्दो आज ये सेकंड लास्ट डेट है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, एंड मोस्ट प्रॉब्लम बच्चे अभी तक तो फिजिकल रिपोर्ट कर चुके होंगे, उनको अपना ड्रीम कॉलेज भी मिल चुका होगा। अब वो वेट कर रहे होंगे कि उनका कॉलेज कब स्टार्ट हो। कॉलेज एक बहुत अच्छा फेज होता है लाइफ का, जो कि लाइक इसका स्टार्टिंग जितना एक्साइटमेंट होता है उतना ही एक्साइटमेंट होता है इससे इस पूरे लाइफ को एंजॉय करना, इस पूरे पीरियड को एंजॉय करना, ठीक है। तो इस चैनल पे मैं कंटिन्यूसली यही प्रैक्टिस, यही कोशिश करता हूं कि आपके पूरे कॉलेज लाइफ को कितने स्मूथ और कितना इजी बनाया जा सके। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, जो जो लाइक डिफिकल्टीज मैंने फेस की हैं, वो आपको ना फेस करनी पड़ी। तो एज अ सीनियर मैं हमेशा आपको गाइड करने के लिए इस चैनल पे अवेलेबल रहूंगा, फाइन। एंड यस, आज चलते हैं कॉलेज और देखते हैं किस तरीके से यहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। एंड इस फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ साथ एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, जो कि है मेरे अर्निंग से रिलेटेड। बहुत लाइक एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है मेरे लिए भी, और इस चैनल से रिलेटेड जितने भी मेंबर इस चैनल के हैं उन सबके लिए बहुत गुड न्यूज है। तो वो भी इस वीडियो में आपको मिल रही होगी, वो गुड न्यूज क्या है। ओके, तो फटाफट से चलते हैं, बैग पैक करते हैं और निकलते हैं अपने कॉलेज के लिए। ओके, फिर मिलते हैं अभी आपको डायरेक्टली हम कॉलेज में। बाय बाय। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम अपने कैंपस आ चुके हैं और देखते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की क्या स्टेटस चल रही है। ये रहा हमारा एकेडमिक ब्लॉक 1, एकेडमिक ब्लॉक 2, इसमें आईटी की क्लासेस चलती हैं। चलते हैं एडमिशन, वैसे हमारी मोस्ट प्रोबेबली एकेडमिक ब्लॉक 1 में होते हैं। सो चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी। सो ये रहा, बहुत शांति शांति सी लग रही है। लास्ट ईयर तो भाई साहब क्या ही बवाल चल रहा था। ये हमारा नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे नोटिस लग जाते हैं। ये यहाँ पे जो भी आपको फी रिलेटेड इंक्वायरी करनी है, काम है, वो करते हैं। बाकी ये इधर फिजिकल रिपोर्टिंग चल रही है। चलते हैं थोड़े टाइम में, देखते हैं क्या स्टेटस चल रहा है। वैसे मैं बता दूँ, इस बार तो लाइक आपको 6 दिन मिले हैं, लास्ट ईयर बच्चों को 2 दिन सिर्फ मिले थे मैक्सिमम। और इतना ज़्यादा रास्ता ना यहाँ कॉलेज में, क्या ही बताइए, पूरा कॉरिडोर भरा हुआ था। अच्छा हुआ इस बार 6 दिन का दिया है। एंड हम इधर से आए, जो मैंने दिखाया आपको फी रिसिप्ट काउंटर है, उसके जस्ट यहाँ साइड में आपको कैंपस शॉप, ड्रेस आपको यहाँ से कलेक्ट करना है, लंबी लाइन लगेगी यहाँ से। इसके बगल में ही ये रहा हमारा IOS लैब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। लास्ट अपने को पहुंचना है और कुछ लेके निकल जाना है। ओके, तो जी रहा ये चल रहा है हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग। ओह, ये हमारी फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग की स्टेटस है। बहुत कम भीड़ है, बहुत बहुत कम, बहुत पहुंच गया जहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट फिलिंग। सारे बच्चे अपने आप को जेल में एडमिट करने के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। यस, आई एम एक्साइटेड टू फिल इन टू दिस जेल। ओके, तो सबसे पहले वहाँ से जाके अपने को फॉर्म कलेक्ट करना होता है, ये अपने सर जी बैठे हुए हैं। फिर फॉर्म लाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है, प्रॉपरली आपको डिटेल्स देने होंगे, बहुत कुछ नहीं होता इसमें। ये फॉर्म इसमें फिल करेंगे, जो भी थोड़े बहुत डिटेल्स हैं, एंटी रैगिंग एफिडेविट्स, डॉक्यूमेंट को अरेंज करके, फिर उसके बाद हमें उस काउंटर पर जाना होता है, वहाँ पर जाके अपने को फॉर्म सबमिट करना होता है। एंड बगल में ये हमारा हॉस्टल इंक्वायरी के लिए लगा हुआ है, अगर यहाँ पे आपको हॉस्टल चाहिए तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड इस ईयर तो थोड़ा अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखा है, बाकी अपना कैंपस तो देख ही रहे हैं। ये चल रही है फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे। ओके, चलते फटाफट से काम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो गाइस, करेंटली मेरा एक मॉक इंटरव्यू चल रहा है। तो ये हमारी मॉक इंटरव्यू, ये देख लो, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे चांसेस देता है।
तो ये एक चांस ये भी है जिसमें मेरा मॉक इंटरव्यू चल रहा है और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करा देता है। एंड व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ यही था कि अभी रिसेंट मेरा टर्न था और मैम ने पूछा कि एक इंजीनियर नहीं होते तो आप क्या होना चाहते, तो मैंने तुरंत आंसर मैम को कर दिया अ कंटेंट क्रिएटर। फिर मैम ने मेरे जर्नी के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, दैट वाज फैंटास्टिक। फटाफट से इसको ख़त्म करके फिर से अपने ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करते हैं। ओके लेट्स गो। सो फाइनली वी हैव डन विथ आवर मॉक इंटरव्यू, अब हम चलेंगे। बेसिकली मैं ये बता दूँ, ये मॉक इंटरव्यू होता है कंपनी प्रैक्टिस के लिए। जैसे भी कोई कंपनीज आती हैं हमारी लाइक रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसकी कंपनी स्पेसिफिक हमारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, किस तरीके से हमें आंसर करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो ये एक एडवांटेज है इस कॉलेज में, आई डोंट नो अदर में क्या चलता है बट यहाँ पे ये सिस्टम है। तो जो भी आए हैं श्योर हो जाए इंटरव्यू के लिए, तो वो प्रिपेयर करा के ही रहेंगे, और बाकी आपको पता ही एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर करा ही देते। सो ये ऐसा चल रहा है हमारा मॉक इंटरव्यू। ओके फाइन, चलते हैं फटाफट से और देखते हैं अब काउंसलिंग की तरफ, फिर से चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। ओके सी यू देयर। ये कुछ नज़ारा हमारा काउंसलिंग का चल रहा है। क्या गोइंग ऑन? सो भाई आज मौसम तो बहुत घना सुहाना हो रखा है, और ये रहा कुछ हमारा कॉलेज कैंपस। आपने कॉलेज टूर तो कर ही लिया होगा, व्लॉग देख ही लिया होगा वो। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, मैंने सारे डिटेल बता रखे हैं, कॉलेज के सारे खुफिया रास्ते बता रखे हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रहा हमारा लंच एरिया, कैंटीन नहीं लंच एरिया है, बिकॉज यहाँ पे जो भी आउटसाइड स्टूडेंट रहते हैं हॉस्टल्स में, उनके लंच बॉक्स आ जाते हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे लाके अपने लंच आराम से, यहाँ पे अपना लंच खड़े होकर, यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, आप आराम से यहाँ पे लंच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए बना हुआ है जो आउटसाइड पे कैंपस रहते हैं। बाकी ये हमारी जीएल बजाज की बिल्डिंग, एंड ये सामने आप ऑडिटोरियम देख रहे हैं, एसएसडी हॉल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारे सारे मेजर फंक्शंस हैं, फ्रेशर्स का थोड़ा बहुत पार्टी होता है, फिर बाकी तो ग्राउंड में होता है। इस तरीके से चलते हैं ग्राउंड साइड और वो भी दिखाते हैं आपको कहाँ पे आपको फ्रेशर्स पार्टी में इंजॉय करने को मिलेगा। ओके फाइनली फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ग्राउंड जहाँ पे डांडिया नाइट्स, फ्रेशर पार्टी, ये सारे पार्टीज और ये सारे फंक्शंस यहीं पे होते हैं। सामने ये रहा हॉस्टल, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फ्रेशर्स अलाउड नहीं होते, तो वो वहाँ से इंजॉय कर सकते हैं जो जो कॉलेज हॉस्टल में रह रहे हैं, ये एडवांटेज होता है। एंड ये जस्ट सामने रहा जीएल बजाज का गर्ल्स हॉस्टल, ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल, ये बॉयज़ हॉस्टल, एंड ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है जीएल बजाज में गर्ल्स हॉस्टल। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना फन होने वाला है इन दो बिल्डिंग्स के बीच में। ओके ये रहा सामने, इसके पीछे ये यहाँ पे ये ग्राउंड है, आई थिंक फुटसल ग्राउंड है, और ये रहा हमारा सीनियर्स हॉस्टल, ये सीनियर हॉस्टल का मैस है। एंड बाकी आपको कैंटीन इसी बिल्डिंग में देखने को, कैंटीन एंड जिम मिल जाएगी, जो हॉस्टलर्स होते हैं उनके लिए जिम भी अलाउड होता है। तो ये रहा पूरा कैंपस के बारे में। ओके 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 फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से व्लॉग देख रहे होंगे कि कब बताएगा कब बताएगा कब बताएगा। मैंने आपसे बताया था ना, मैं आपको अर्निंग से रिलेटेड पूरी चीज़ें तो नहीं, थोड़ी चीज़ें कुछ शेयर करूंगा, एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तक व्लॉग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि अरे यार बता दे अब तो बता दे अब तो बता दे, फाइनली वो टाइम आ गया, बता रहा हूँ। बस इतना बताना है कि अर्निंग से रिलेटेड लाइक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, पहले आप ये क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाई इन द सेंस इस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे, 4000 वो उस टाइम होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो बला बला ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सो फाइनली मैंने वो सारे जितने भी इनके क्राइटेरियाज हैं वो मैंने फाइनली उसको कंप्लीट कर लिया है, एंड वेरी सून आई एम रेडी टू रिसीव माई पेमेंट। सो पेमेंट कितना आता है और कितने टाइम में आता है, वो किस तरीके से अर्निंग होती है, ये सारी इनसे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस कि स्टार्टिंग से जो भी बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको जरूर बताऊंगा कि मुझे कितना पेमेंट रिसीव हुआ, एंड लाइक क्या क्या फैक्टर्स उसके बीच में आए थे। तो जब भी मुझे पेमेंट रिसीव होगा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइक मुझसे जानना चाहते हैं, जनरली स्टार्टिंग से जो मेरे से जुड़े हुए हैं तो वो जानना चाहते हैं कि मुझे लाइक अर्निंग होती भी नहीं, एंड लोग जो बताते हैं कि अर्निंग होती है या नहीं होती है सिर्फ फेक बताते हैं। तो मैं आपको पूरा सब कुछ एकदम क्लियर बता दूंगा, तब तक के लिए आपको वेट करना होगा उस वीडियो का, एंड डेफिनेटली वो वीडियो जरूर आएगी आई प्रॉमिस। अगर इतने ज्ञान के बाद भी आप अभी तक वीडियो में टिके हैं
तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे और कौन से वीडियो किस टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आपको कौन सा कॉलेज मिला है, क्या परसेंटाइल थी, आप कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट एक थोड़ा इंट्रैक्शन हो जाए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेफिनेटली ट्राई करता हूँ कि मैं जितने सारे कमेंट्स आते हैं मैं सारे के आंसर कर पाऊँ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैं कर भी देता हूँ। कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो बहुत ही रिलेवेंट होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, तो उनको मैं अवॉइड करता हूँ आंसर करना। अदरवाइज जो मुझे लगता है जेन्युइन है, मैं 100% उसको ट्राई करता हूँ कि कमेंट में मैं आंसर कर दूँ। स्टिल मैं 80% कह सकता हूँ, 80% ऐसे कमेंट होंगे जिन पर मेरा रिप्लाई ऑलरेडी मैंशन होगा, ठीक है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगती है एंड मुझे लाइक फर्दर क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए, क्योंकि देखो मुझे भी पता है इस तरीके से तो व्लॉगिंग मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इस तरीके से हाथ में पकड़ के तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा एंगल कैसा जा रहा है, बट स्टिल मुझे ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैं आपको शेयर करूँगा। मुझे पता है ये भी चीज़ की लाइक मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं आती, बट यस मुझे एक चीज़ आता है कि आपको हेल्प कैसे करना है, वो मेरे को पता है और वो मुझे पता है, बस उसके उसी को मुझे आप तक पहुंचाना है। अभी ये मुझे एडिटिंग आती है नहीं आती है, इंप्रूवमेंट होता रहेगा धीरे धीरे, बट आप तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो भी हेल्प होता है, वो मेरे के थ्रू आप तक पहुंचता रहेगा। एंड यस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो मच अभी तक स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।